तो हेलो गाइस, आप सभी का वेलकम है हमारे माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज के एपिसोड 2 में। तो जैसे कि आपको पता होगा कि पहले एपिसोड में हमने क्या किया था, हमने पहले मतलब एक विलेज ढूंढा था मेनली, और ज्यादा तो कुछ नहीं किया था, और एक आयरन का आर्मर बनाया था। और इस वाले एपिसोड में हमारे फिर से तीन गोल्स रहेंगे। वो तीन गोल्स ये होंगे, पहला विलेजर्स को सेव करना, दूसरा एक घर बनाना, तीसरा एनिमल फार्म बनाना। तो चलो शुरू करते हैं ये वाला वीडियो इसी के साथ। तो मैं आते ही पहले लग जाता हूँ विलेजर्स को सेव करना, जो कि है हमारा पहला गोल। तो मुझे यहाँ पे एक विलेजर मिलता है, तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये साइड पे होता है तो इसको सेव करता हूँ। तो सही से खड़े रहना भाई, वहाँ पे रुक जा, थोड़ी देर रुक जा, मुझे तेरे को सेव करने दे। अरे हट, थोड़ा बाजू खिसक खिसक खिसक, थोड़ा पीछे हट। हाँ सही है, वहीं पे रुके रहना, हिलना मत, रुक जा। ये और दो ब्लॉक और ऊपर का एक ब्लॉक बस। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा। हो गया भाई, तू क्या देख रहा है, तुझे भी करूंगा अभी, रुक जा, इसको सही से कर लो। चल तुझे ही पहले कर देता हूँ, रुक यहाँ पे। ये गया एक ब्लॉक, ये गया दो ब्लॉक, ये ले और ये ले। चल जा, चलो निकलो अभी। मगर क्यों, सही से रख देता हूँ इनको, ताकि ये मर ना जाए, रात को ज़ॉम्बीज़ मार ना दे। तो चलो इनको पहले सही से ठिकाने लगा देते। हाँ तो गाइस, अभी हमने दो वो विलेजर्स को सेव कर लिया है, तो अभी चलते हैं, इनके साथ ट्रेडिंग करना पड़ेगा हमको, क्योंकि वरना ये डिस्पॉन हो जाएंगे खुद ब खुद। तो ट्रेडिंग करने के लिए एमरल्ड ढूंढते हैं, या फिर कोई और विलेजर अगर हमको मिलता है जो ट्रेड कर सकता है हमारे साथ, तो उसके साथ ट्रेड करके उसको सेव करते हैं। तो चलो। तो गाइज ये रहा एक विलेजर, तो चलो इसको भी सेव करते हैं। ट्रेड पता नहीं इससे हो पाएगी कि नहीं, पर इसको सेव तो कर लेते हैं एटलीस्ट। तो चलो। तो गाइज हमने और एक विलेजर सेव कर लिया है, तो चलो पहले देखते हैं कि क्या इसके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं या फिर नहीं। तो हाँ गाइज, इसके साथ हम ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि ये लेदर से 6 लेदर से 1 एमरल्ड दे रहा था, तो हमारे पास 13 लेदर थी, तो हमने 1 एमरल्ड ले लिया है। अब इस 1 एमरल्ड से हम किसी और विलेजर के साथ ट्रेड करेंगे और उसको भी सेव करेंगे। मतलब विलेजर्स के साथ अगर हम ट्रेड करते हैं तो क्या होता है ना, वो विलेजर फिर डिस्पॉन नहीं होता, तो इसीलिए ट्रेड करना जरूरी है। तो चलो और एक विलेजर ढूंढते हैं। तो गाइस यहाँ पे सामने बहुत सारे व्हीट है, तो इनको ले लेते हैं, क्योंकि हमारे पास खाना वैसे भी ज्यादा नहीं है। अरे ये क्या हो रहा है, शायद से मेरा नेटवर्क किशू है, ये हवा में ये सब फ्लोट कर रहा है, बैग में भी नहीं आ रहा है। ये विलेजर ले लेगा, ये मुझे पता है ये ले लेगा, मुझे नहीं मिलेगा। ले ले भाई तू, ले ले, तुझे ही फिर ट्रैप करना है यहीं पे, रुक अभी तुझे ट्रैप करता हूँ। तो गाइस इसका लूट के हो चुका है, तो इसके कलेजे में अभी ठंडक पड़ चुकी है, तो इसको हम अभी यहाँ पे सेव करके रख देते हैं। हमारे पास जो 1 एमरल्ड पड़ा है उसके साथ इससे हम ट्रेड कर लेते हैं, फिर ये डिस्पोन नहीं होगा। तो चलो। अरे खाओ ना दबा के, अरे पेल के खाओगे तो रेल के मारोगे, ये बात याद रखते तो आज नहीं ना आती हालत। तो गाइज अभी इस विलेजर के साथ मतलब इस फार्मर के साथ ट्रेड कर लेते हैं। तो हमारे पास 1 एमरल्ड था, जिससे इसने हमें 6 ब्रेड दे दिए, तो चलो यहाँ से चलते हैं इसको पैक करके दूसरे विलेजर की ओर। तो गाइज यहीं पे पास में एक विलेजर मिल चुका है, देखते हैं ये क्या ट्रेड कर रहा है। हाँ इससे हम ट्रेड कर सकते हैं, पहले इसको यहाँ पे पैक कर देते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं, फिर पैक इससे हम ट्रेड करेंगे। पैक बोल रहा हूँ, नीचे चले जा मेरे भाई, नीचे चले जा। हाँ सही है, अरे यार पीछे ऊपर आ गया। हाँ सही है, अब हो जाएगा। चलो तो इसको कर दिया यहाँ पे हमने वूल से पैक। तो चलो इसको खोल के इससे 10 कोल के बदले 1 एमरल्ड ले लेते हैं। हाँ तो ये रहा 1 एमरल्ड। तो चलो अभी इसको पैक करके यहाँ से जल्दी से निकलते हैं। तो गाइस इस विलेजर के पास मैंने थोड़े बैम्बू जो मेरे पास थे, जो मैं बैम्बू फॉरेस्ट से लाया था, लगा दिए। इससे 2 काम होंगे, बाद में हमको जब बैम्बूज की जरूरत पड़ेगी तब हम यहाँ से ले सकते हैं, और जब मैं इस विलेजर को लेने आऊँगा तब मुझे इन बैम्बू से पता चल जाएगा कि वो यहाँ पे है। इसके बाद हमारा जो है हमें घर बनाना होगा, तो घर बनाने के लिए जो सही जगह है वो मैं ढूंढता हूँ। तो यहाँ से मैं देखता हूँ रिवर के उस पार जो जगह है वो सही होती है, तो मैं अपना इस तरफ जा ही रहा होता हूँ, तभी मुझे यहाँ पे दिखता है हेबल। हमारे पास खाने के बहुत ही कमी थे, तो यहाँ पे मैं हेबल्स ले लेता हूँ, और हेबल्स लेने के बाद मैं जाता हूँ विलेज में एक सही सा घर ढूंढने, ताकि मैं वहाँ पे रह सकूँ।
तो यहाँ पे सामने कुछ कोल्स होते हैं, तो इन कोल्स को मैं ले लेता हूँ। और ये पास ही में जो घर होता है वो देख के मुझे बहुत पसंद आता है, तो इसी में मैं अपना बेड लगाता हूँ और चेस्ट फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल लगाता हूँ और नया घर बनने तक इसी में मैं रहता हूँ। तो यहाँ पे करीबन 10-20 कोल थे, तो उनको मैं लेता हूँ फिर आ जाता हूँ इस वाले घर में, जो कि यहाँ पे नीचे 2 बेड थे और ऊपर 1 बेड था। तो मैं ऊपर जाता हूँ, फिर 2 बेड जो होते हैं उन 2 बेड को हटा के दोनों में से एक को हटाता हूँ और एक को रखता हूँ, और नीचे में से 2 बेड में हटा देता हूँ और मेरे रहने लायक मैं इस शहर को बना लेता हूँ। तो इस घर को सेटअप करते करते रात हो चुकी थी, बहुत ज्यादा हो ही चुका है। मतलब मैं मेनली चेस्ट को सेटअप कर रहा था और नीचे जो अनयूज्ड मतलब मेरे जो बेकार है मेरे लिए जो चीजें उनको हटाने में टाइम लग गया। मतलब ये घर सेटअप करते करते रात हो गई, तो यहाँ पे अभी भी ये चेस्ट सेटअप करना बाकी था, तो मैं यहाँ पे चेस्ट लगा के कर देता हूँ काम खत्म। और फिर मैं मतलब जो चीजें हैं मेरी उनको सही से रख देता हूँ, मतलब एक में ब्लॉक, एक में खाना, एक में जो सही से चीजें होती है वो, और एक में जो बेकार चीजें होती है वो, तो ऐसे करके मैं रख देता हूँ। तो इसके बाद सुबह होती है, मैं सो जाता हूँ, फिर मैं जाता हूँ अपने घर को बांधने। तो अभी रात हो गई है, तो चलो सो जाते हैं, गुड नाइट। यार ये डिस्टर्ब कौन कर रहा है, आ जाओ तुमको दिखाता हूँ मैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पाचा हाँ ले क्या और कोई है, पहले कह रहा हूँ भाई और कोई है तो आ जाओ, नहीं है अभी। अगर दिक्कत हुई सोने में तो फिर मैं दिखाता हूँ तुमको, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तू भी आ जाओ, ये ले जा चल निकल बहन की अंधी पागल, अब सोने दो। हाँ गाइस गुड नाइट। गुड मॉर्निंग, तो चलो अभी चलते हैं हमारे मेन काम पे, जो कि है हमारा मेन घर बनाना। तो नदी के उस पार चलो चलते हैं। तो गाइस मैं नदी के इस पार आ चुका हूँ, तो घर बनाने के लिए हमें वुड चाहिए होगी। मतलब ये वाला जो घर मैं बना रहा हूँ ये है मेनली स्टार्टिंग हाउस, मतलब बाद में हम फिर से एक घर बनाएंगे सही से, ये ऐसे ही रहने के लिए बना रहे। तो वुड लगेगा मेनली, हमें ये घर पूरा वुड का ही बनाया और थोड़ा सा कॉबल स्टोन लगेगा। तो चलो वुड कलेक्ट कर। तो गाइस कल मैं काम कर रहा था यहाँ पे, तभी रात हो गई थी, तो मैं घर चला गया था सोने, तो सो के मैं अभी आ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने कल रात थोड़ा इस जगह को क्लियर किया था, तो चलो लगते हैं काम पे, बनाते हैं अपना घर। तो पहले बनेगा हमारे घर का लेआउट, तो चलो लेआउट बनाते हैं। तो गाइस लेआउट रेडी है, इस लेआउट के अंदर जो है वो डर्ट निकालते हैं और इसमें प्लैंक भरते हैं। तो चलो तो गाइस अभी प्लैंक डालना भी हो गया है, तो अभी बनाते हैं घर के मेन जो पिलर्स है वो। तो पिलर्स मैं बनाऊंगा ये डार्क वुड जो कि मैं लाया था एक स्टैक, ये कम पड़ जाएगा मुझे लग रहा है शायद से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पिलर्स बनाना भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम बनाएंगे हमारे दीवार, जो कि बनेंगे इन प्लैंक्स और जो ग्लासेस होते हैं ग्लास पेन और ओक प्लैंक्स है। तो चलो बनाते हैं।
द नेक्स्ट डे। तो ये जो दोनों साइड मैंने दिखाया ऐसा ही बनेगा बाकी दो साइड, तो मैं ये करके आपसे मिलता हूँ। तो चारों साइड हमारे अभी कंप्लीट हो चुके हैं, तो इसमें अभी लगेगा ग्लास, तो चलो चलते हैं ग्लास लाने। तो नदी के इस पार पास ही में हमें मिल चुका है सैंड, तो यहाँ से जल्दी से सैंड इकट्ठा करते हैं, फिर चलते हैं इसको स्मेल्ट करने। A few moments later. तो मैं जब सैंड इकट्ठा करके इस पार आता हूँ तो देखो हमें कौन मिलता है, ये ट्राइडेंट वाला राउंड, तो इसको मारते हैं। अगर हमें मिलता है ट्राइडेंट तो सही, वरना क्या ही कर सकते हैं। And his name is John C. तो गाइस ऐसा होता है, एक बार तो प्रो प्लेयर भी मर जाते हैं। तो चलो अपने आप को लूटते हैं। अबे रुक जा, लूटने तो दे, क्या नागमय लेके जाएगा क्या, रुक जा थोड़ा, अभी तुझे हाथ से मारूंगा, रुक जा नूबड़े रुक। तो यहाँ से मैं बेड लेता हूँ और यहाँ पे पहले डिस्पॉन पॉइंट सेट कर लेता हूँ, वरना अगर मर गया तो फिर से वहाँ से आना पड़ेगा। तो डिस्पॉन पॉइंट सेट हो चुका है, तो चलो अब उसको दिखाते हैं। गाइस ये मैं नहीं था, मैं तो ये हूँ, ये जो फाइट कर रहा है सामने देखो। अरे ये सब तो हमारे लिए बच्चे हैं, वो दो तीन बार वो मैं थोड़ी मारा था, कोई और था, कि एडिटर ने गलती से लगा दिया। तो चलो अभी काम पे फोकस देते हैं, नूबड़ों को बहुत मार लिया। तो अभी हमने फर्नेस बना लिया है, तो चलो सैंड से ग्लास बनाते हैं। तो गाइस इस घर के ऊपर छत में हम डर्ट लगाएंगे ताकि हम वहाँ पे थोड़ी फार्मिंग कर सके और दूर से दिख के वो अच्छा भी लगे। तो चलो डर्ट से पहले छत बना लेते हैं। तो बीच में ये जगह छोड़ दिया ताकि हम ऊपर जा सके, तो छत हमने कंप्लीट कर दिया डर्ट से। तो अभी चलो ग्लासेस लगाते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पे फर्नेस से जब ग्लास निकलने आता हूँ तब मुझे ये दिखता है, मतलब माइनक्राफ्ट में ये भी रिस्पॉन कर सकते हैं क्या, ये कहाँ से आया फिर से, रिस्पॉन अगर नहीं कर सकते तो। मगर क्यों, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। तो गाइस ठीक है, मैंने अपने आप को लूट लिया है, अभी मारता हूँ इसको, देखो कैसे सील का यूज करके कैसे मारता हूँ, देखो इसको मैं। तो गाइस यार मैंने तुमको बोला ये मेरे सामने बच्चे हैं, नोबड़े है ये, तुम मानने को तैयार नहीं, और इस नोबड़े ने मेरा आर्मर भी ले लिया था, तो आर्मर मैंने इसे छीना। अब चलो घर बनाने पे फोकस देते हैं, ये सब छोड़ दें। तो गाइस मैंने यहाँ पे लैडर बना के मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं ऊपर जाने के लिए यहाँ पे ब्लॉक लगा के लैडर लगा देता हूँ ताकि मैं ऊपर जा सकूँ। तो ऊपर जाके एक बार देखते हैं, सही तो लग रहा है यार, ज़्यादा खराब भी नहीं लग रहा, उतना अच्छा भी नहीं लग रहा, तो सही ठीक ठाक है। तो चलो छत को भी कंप्लीट करते हैं साइड से। तो गाइस ये वाला जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा कॉर्नर टाइप का लग रहा है और हमारा घर है राउंड, तो ये वाला डिज़ाइन मैं चेंज करके आपसे जल्दी मिलता हूँ। 2000 years later. तो ये देखो ये है नया वाला ग्लास व्लास लगा के, ऐसा लग रहा है। तो गाइस चारों कॉर्नर्स कंप्लीट हो चुका है, तो अभी हम जा सकते हैं अपने छत को कंप्लीट करने। तो चलो अपना छत कंप्लीट करते हैं।
तो मैंने बीच वाला जो था, जो पोर्शन था चार ब्लॉक का, वो वाला कंप्लीट करके यहाँ पे स्लैब के ऊपर मैंने थोड़ा पानी दे दिया, और पानी नीचे भी नहीं जाएगा और जो साइड में गैप है वहाँ पे भी नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ पे मैंने ट्रैप डोर और लैडर लगा के रखा है। तो यहाँ पे मैं फार्मिंग स्टार्ट कर देता हूँ, मतलब छोटा मोटा, ताकि आप ये जगह दिखने में अच्छी लगे। तो इसके बाद मैं करता हूँ अपना छत कंप्लीट। तो चलो छत कंप्लीट करते हैं जल्दी जल्दी। तो गाइस मुझे एक बात आपको कहना था, मतलब आप जो ये वीडियो देख रहे हो, ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। पर एक चीज़ मुझे पता है कि आप लोगों को भी सब्सक्राइब करना है, पर आप लोगों को याद नहीं रहता सब्सक्राइब करना, तो मैंने आपको जस्ट याद दिला दिया। तो गाइस सब्सक्राइब कर देना, और यार कमेंट क्यों नहीं करते, मुझे आपका कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके कमेंट से मोटिवेट भी होता हूँ, तो कमेंट भी करो और हो सके तो लाइक भी करना। तो मजे लो वीडियो के। तो घर कंप्लीट करने के बाद कुछ ऐसा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा था कि इतना अच्छा नहीं लगेगा, अभी बाकी है, मेन चीज़ है ये बाकी है, तो अभी अच्छा लग रहा है। तो अभी चलो हमारा फर्स्ट गोल जो कि था घर बनाना, वो कंप्लीट हो चुका है। तो थर्ड गोल जो कि है हमारा एक फार्म बनाना, एनिमल फार्म, तो चलो उस काम पे ध्यान देते हैं। तो गाइस तो ये घर कुछ अलग सा बनेगा, मतलब इस घर के जो चारों साइड जो विंडो है वहाँ पे एक एनिमल का फार्म बनेगा, तो चलो बनाते हैं। तो गाइस ये जो मैंने आपको एक साइड दिखाया ऐसे ही चारों साइड बनेंगे, तो मैं ये आपको बना के आपसे मिलता हूँ। तो गाइस ये घर मैंने कंप्लीट कर दिया है, मतलब एनिमल रखने का जो फार्म है उसके साथ घर दोनों कंप्लीट कर दिया, मतलब जो एनिमल का फार्म और जो घर है वो दोनों एक साथ है। तो मैंने कंप्लीट कर दिया है, तो कंप्लीट करने के बाद कुछ ऐसा लुक आ रहा है जो कि मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ से पानी भर लेते हैं, तो चलो अभी बाकी का जो काम है, मतलब मेनली हमारे जो एनिमल्स हैं उनको लाने चलते हैं। तो गाइस मैं अपने वो पुराने वाले घर से व्हीट लेके आ चुका हूँ, तो चलो अभी सामने काऊ दिख रहा है तो उसको लाते हैं पहले। तो काऊ आ जा चुपचाप मेरे पीछे। अच्छा। आ जा तो काऊ मेरे भाई, जल्दी से मेरे सब चल ले, आ जा, ज्यादा नाटक मत दिखाना, आ जा यहाँ पे कुछ, आ जा आ जा आ जा, आ जा। हाँ, वीट दूंगा मैं तेरे को, रुक जा, पहले तेरे और भी दोस्त को लाता हूँ, फिर मैं तेरे को वीट देता हूँ, रुक जा। गाइस काऊ तो मिला नहीं, यहाँ पे एक सीप दिख रहा है, तो सीप को ले जाते है, तो एक सीप को भी ला के यहाँ पे डाल दिया है। तो गाइस हमारे सारे गोल्स कंप्लीट हो चुके हैं, इस वाले वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट्स भी करना। तो मिलते हैं ऐसे ही माइनक्राफ्ट के दोस्तों वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।